नमस्कार दोस्तों, गार्डन के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये गार्डनिया का गोल्ड मैजिक है और बहुत रेयर प्लांट है। देखिए वेल रूटेड प्लांट मुझे मिल गया है और इसका प्राइस है 80 रुपया में मुझे मिला। और प्लांट काफ़ी मैच्योर्ड है और बर्ड्स भी इसमें आए हैं, लेकिन फूल मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि ये देखिए बर्ड्स आया है इसमें। नर्सरी में बहुत सारा प्लांट था लेकिन वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि नर्सरी बंद होने वाला था। तो आज इसे हम देखेंगे कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। इसका रिपोर्टिंग का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और प्लांट का देखिए रूट बहुत बढ़िया ग्रो किया है, तो बहुत हेल्दी प्लांट है। और ये देखिए मेरा गुलदावड़ी का प्लांट था और वो पिछले सीजन का था तो सूख गया है। सब गुलदावड़ी बच नहीं पाते हैं, कुछ कुछ मर भी जाते हैं। पूना वेराइटी ये सब जो थोड़ा नाजुक होते हैं। और इसका सॉइल देखिए, मैं बहुत पोरस सॉइल लिया था। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, सैंडी सॉइल है, पूरा भुरभुरी मिट्टी है और इसमें रूट ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। किसी भी प्लांट आप लगाइए तो मैं इसीलिए सैंडी सॉइल और गोबर का खाद आपको रेकमेंड करता हूँ हर प्लांट के लिए। और वहाँ पे प्लांट रॉट भी नहीं होता है, ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है उसमें। और इसमें आप राइसल्स मिला सकते हैं, गार्डनिया के लिए राइसल्स बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए, ये है फंजीसाइड। मिट्टी में अगर कुछ इन्फेक्शन या फिर फंगस रहेगा तो ये ख़त्म कर देगा। देखिए सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लिखा हुआ है, ऐसा वाला ही आप लीजिए। साफ नहीं मिला इसलिए मैं उसी कॉम्बिनेशन का दूसरा ब्रांड का ले आया, इंडोफिल का है ये। और ये भी बहुत अच्छा ब्रांड माना गया है, तो किसी भी अच्छे ब्रांड का लाइए। और इसे आप मिट्टी में डालना मत भूलिएगा क्योंकि मिट्टी में मैं गोबर का खाद ऐड करूँगा और गोबर का खाद बारिश के सीजन में फंगस पैदा करता है। तो फंजीसाइड डाल दूंगा मैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। गार्डनिया अगर सूखता है तो एकदम से ख़त्म हो जाता है। और देखिए ऐसा आपको ब्लू कलर में आ जाएगा, ये फंजीसाइड डाल दीजिए। और इसके बाद ये देखिए गोबर का खाद मैं डाल दूंगा। गोबर का खाद मैं जो लिया हूँ बहुत बढ़िया है, पाउडर जैसा हो गया, वेल डिकम्पोज है। देखिए पुराना गोबर का खाद ही लीजिए, नया वाला मत लीजिए। और ये देखिए इसको मैं मिला लेता हूँ और ये फंजीसाइड के साथ भी मिल जाएगा और मिट्टी के साथ भी, और बहुत बढ़िया मीडिया बन जाएगा ये गार्डनिया को लगाने के लिए। और थोड़ा सेंटर में थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि इसका रूट बॉल जाएगा सेंटर में। और देखिए इसका एक भी रूट डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका प्लांट में जो बर्ड्स आए हैं वो सब गिर जाएंगे। और रूट तो बहुत सारा निकला हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कुछ भी ना टूटे। और ये पॉलीबैग को मैं बचा नहीं पाऊंगा, पॉलीबैग मेरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये प्लांट है मेरे लिए, तो फाड़ देते हैं इसको। और ये देखिए, ये इसको सावधानी के साथ मैं निकालूंगा, जिस एरिया में रूट फंसा हुआ है उसको बहुत सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा आपको। और नीचे का रूट अगर आपका टूटा तो ये बर्ड्स जो देख रहे हैं ये ज़रूर गिर जाएगा, तो बहुत सावधानी के साथ आपको निकालना पड़ेगा। और ये देखिए मैं निकाल लिया हूँ, इसका 100% रूट आ गया है देखिए, और कुछ भी नहीं टूटा, तो बर्ड्स रह जाएगा आशा करता हूँ। और इसको थोड़ा सॉफ्ट बना देते हैं क्योंकि रूट बाउंड हो जाता है और हार्ड हो जाता है सॉइल, तो ऐसा थोड़ा सॉफ्ट बना दीजिए लेकिन रूट को मत तोड़िए। ये आराम से सेट हो जाएगा यहाँ पे और कुछ ही दिन में रूट को पकड़ लेगा। और मीडिया मेरा बहुत पोरस है और ऐसा मीडिया चाहिए होता है इसको। राइसल्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं कुछ ऐड कर देता। राइसल्स ज़रूर रहना चाहिए घर में, गुलाब के लिए और गार्डनिया के लिए, एजेलिया के लिए, ये सब एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। और मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर दीजिए आप ताकि ये सेट हो जाए यहाँ पे। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट काम है वाटरिंग। वाटरिंग आप किसी भी प्लांट लगाते हैं तो तुरंत कर दीजिए क्योंकि एयर गैप नहीं रहना चाहिए सॉइल में, और पानी अच्छे से दे देंगे तो एयर गैप सब चला जाता है और रूट सेट हो जाता है। और गार्डनिया क्या, किसी भी प्लांट को आप अगर रिपोर्ट करते हो तो शाम को कीजिए क्योंकि रात में रूट सेट हो जाता है, और सुबह मत कीजिएगा क्योंकि दोपहर धूप आता है।
और इसे छांव में रख देना है आपको 3-4 दिन के लिए, और उसके बाद फुल सन में रखना है इसको। तो ये था मेरा गार्डनिया के रिपोर्टिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।